नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और नए और इंटरेस्टिंग वीडियो में। तो दोस्तों, आज की वीडियो में जो है बात करने वाले हैं सनराइजर्स हैदराबाद बनाम मुंबई इंडियंस के बीच में जो बहुत ही बड़ा मुकाबला होने वाला है। इस वीडियो में सारी बातचीत करने वाले हैं, करेंगे प्रिडिक्शन और आप सभी को बताएंगे क्या होने वाली है दोनों टीम्स की सटीक प्लेइंग 11 और जो मलिंगा है उनके बदले में कौन सा खिलाड़ी खेलने वाला है, सारी जानकारी इस वीडियो में मिल जाएगी। तो दोस्तों, एक वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और हाँ, अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी सब्सक्राइब भी कर लीजिए। दोस्तों, जो ये दोनों टीम्स है अपना पिछला मुकाबला बड़े आसानी के साथ में जीत के आ रही है, तो एक क्रिकेट फैन के लिए जो है ये मुकाबला बेहद इंटरेस्टिंग है, जहां पे वार्नर ब्रेस्टो करेंगे ओपनिंग। उनके सामने होंगे वो रहेंगे जेसन बैरनड्रॉफ, उसके बाद जसप्रीत बुमराह। तो दोस्तों, कम्प्लीटली जो है बैट और बॉल के बीच में एक कड़ाक मुकाबला, अच्छा कॉन्टेस्ट देखने को मिलने वाले है। तो बात कर लेते हैं क्या केन विलियमसन की जगह इस टीम में दिखाई बनती है। दोस्तों, अगर देखा जाए तो जो विलियमसन वो अपने आप को खुद ही टीम से बाहर रखे हैं, क्योंकि मोहम्मद नाबी है टीम को एक बैलेंस प्रोवाइड कर रहे हैं, चाहे वो बल्लेबाजी हो फिर चाहे वो गेंदबाजी क्यों ना हो। सबसे पहले बात कर लेते हैं क्या होने वाली है हैदराबाद की प्लेइंग 11 आज के मुकाबले में। नंबर एक पे खेलेंगे डेविड वार्नर, नंबर दो पे जॉनी ब्रेस्टो, नंबर तीन पे विजय शंकर, नंबर चार पे मनीष पांडे, नंबर पाँच पे दीपक हुड्डा, नंबर छः पे यूसुफ पठान, नंबर सात पे मोहम्मद नाबी, नंबर आठ पे राशिद खान, नंबर नौ पे भुवनेश्वर कुमार, नंबर दस पे संदीप शर्मा और नंबर ग्यारह पे जो है सिद्धार्थ कौल खेलते हुए नजर आ सकते हैं। तो दोस्तों, मेरे हिसाब से जो है हैदराबाद की टीम एक विनिंग टीम है और जो विनिंग कॉम्बिनेशन है उसको हैदराबाद की टीम छेड़खानी करना नहीं चाहेगी। हाँ, जो विलियमसन है उनकी जगह बहुत ही मुश्किल दिखाई पड़ती है मोहम्मद नाबी के आने से। तो दोस्तों, अब बात कर लेते हैं मुंबई इंडियंस की। तो दोस्तों, मुंबई के लिए खबर ये है कि जो मलिंगा है वो अपने देश वापस लौट चुके हैं, तो मलिंगा के बिना जो है क्या हो सकती है मुंबई की प्लेइंग 11 आज के मुकाबले में, चलिए देख लेते हैं। नंबर एक पे खेलेंगे रोहित शर्मा, नंबर दो पे क्विंटन डिकॉक, नंबर तीन पे सूर्य कुमार यादव, नंबर चार पे युवराज सिंह, नंबर पाँच पे कृणाल पांड्या, नंबर छः पे कारन पोलार्ड, नंबर सात पे हार्दिक पांड्या, नंबर आठ पे राहुल चहर, नंबर नौ पे जसप्रीत बुमराह, नंबर दस पे जेसन बैरनड्रॉफ और नंबर ग्यारह पे जो है अल्जारी जोसेफ अपना डेब्यू करते हुए नजर आ सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, जो मलिंगा है उनके बदले मुंबई के पास तीन विकल्प है, बेन कटिंग, मिचेल मैक्लारेगन और अल्जारी जोसेफ। दोस्तों, जो बेन कटिंग है वो एक ऑलराउंडर है, ना कि प्रॉपर गेंदबाज, और जो मिचेल मैक्लारेगन है उनको मुंबई की टीम ऑलरेडी मौका दे सकी है, और जो लास्ट में बच गए वो है अल्जारी जोसेफ। तो दोस्तों, मेरे हिसाब से जो आज के मुकाबले में अल्जारी जोसेफ को मौका मिल सकता है मलिंगा के बदले में। दोस्तों, ये था पूरा कंप्लीट सिनेरियो आज के मुकाबले का। आशा करता हूं आप सभी को वीडियो अच्छी लगी रहेगी। अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ऐसे ही न्यूज अपडेट खबर के लिए सब्सक्राइब भी याद से कर लीजिए। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और क्रिकेट खेलते रहिए।